हेलो एविविन आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू फिट एंड फाइन मायने में शशांक त्यागी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आर जियो पोलिटिक्स सिंप्लीफाइड सीरीज आज हमें बात करनी है चाइना एंड हांगकांग पर चाइना के बारे में आप में से काफ़ी लोग काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं आई एम यूजिंग द वर्ड काफ़ी हद तक बिकॉज द इज लॉट टू लर्न अबाउट चाइना एज वेल आज हमें हांगकांग पर फोकस करना है क्योंकि हांगकांग हैज़ बीन यूज बाय इंडिया एज वेल फॉर डिप्लोमेटिक पंचिंग ऑफ चाइना इन यू हमें जानना तो चाहिए कि हांगकांग का इश्यू है क्या अगर आप पूछेंगे कि सर हांगकॉन्ग को एक लाइन में बताइए क्या रिलेशन है चाइना से? तो मैं कहूंगा ही एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का ही बट आई नॉट यूज द सेम लाइन फॉर ताइवान इन द प्रीवियस वीडियो क्योंकि ताइवान की हिस्ट्री ताइवान का स्टेटस अलग है एंड हांगकॉग का हिस्ट्री हांगकॉग का स्टेटस अलग है और हांगकांग की लोकेशन ऐसी है साउथ चाइना सी दैट इट इज कंसिडर्ड एज जियो पोलिटिकल ऑफ वर्ल्ड राइट तो डेवलपमेंट इन हांगकॉन्ग बिकम्स इंपोर्टेंट अब ऐसे में कुछ क्वेश्चन हमारे मन में आने चाहिए सोचना चाहिए कि कैसे एक कम्युनिस्ट चाइना और हांगकॉन्ग में ये एक पार्शल डेमोक्रेसी कैसे एग्जिस्ट कर, कर गई और क्यों वहां पर अभी भी और ज्यादा डेमोक्रेसी की मांगे उठती रही हैं और चाइना इसको कर्ब क्यों करना चाहता है क्या इसके पीछे यह भी हो सकता है कि वेस्टर्न पावर्स ने हांगकॉन्ग को एक सीड की तरह माना है सीड ऑफ डेमोक्रेसी विच इज गोइंग टू स्प्राउट एंड फर्दर द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी इन मेनलैंड चाइना क्या ऐसा तो नहीं है माई फ्रेंड्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इशू बाई इंटरलिंक विद अदर डेवलपमेंट्स विच हैव हैपन इन दिस टाइम इन अदर parts ऑफ द वर्ल्ड यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज हांगकॉन्ग पर तो बात करनी है लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड होती है हम उन पर भी बात करेंगे जिससे कि आप एक बैलेंस परस्पेक्टिव रख सकें जो कि यू में इंटरव्यू पी ऑप्शनल पेपर टू सेक्शन बी और जी पेपर टू आई सेक्शन में आप इस नॉलेज का यूज कर पाएं एज एन आर्क्यूमेंट डेवलपमेंट ऑफ यू एंड कनेक्शन विद ये कहा जाता है कि किसी भी देश का जो वर्तमान है और जो उसका भविष्य है वो वहां की आर्थिक नीतियों राजनीतिक नीतियों से तय होता है एक फेमस बुक है हैोगलू उसमें उन्होंने इसी थ्योरी को डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाया है और मुझे लगता है कि ये थ्योरी हांगकॉन्ग और यूए एरिया के ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल सटीक बैठती है और कैसे बैठती है यही आज हम समझेंगे सो so, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि हांगकांग का जो स्टेटस है उसके रूट्स इंडिया से जुड़े हुए हैं यस yes. तो चलिए चलते हैं इंडिया में इंडिया की हिस्ट्री में इंडिया में तो आप हैं ही और अदर जगह जो लोग हैं वो इंडिया में आ जाइए ब्रिटिशर्स एक्सप्लेटेड इंडिया फॉर रिसोर्सेज यू नो अबाउट इट व्हेन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हैपन इन इंडिया अब इसकी वजह से हुआ क्या ब्रिटिशर्स के पास आई पावर इकोनॉमिक पावर पॉलिटिकल पावर और शक्ति जो है वो अन्य शक्तियों को पाने की इच्छा बढ़ा देती है राइट right? और सेम ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा था माई फ्रेंड्स पावर इज गैदर्ड नॉट जस्ट बाय हैविंग सम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज शक्ति को पाने का तरीका होता है जब आप सिस्टम अपने हिसाब से सेट कर दें अब इसी को यहाँ पर देखिए और फिर इसको कनेक्ट करेंगे हांगकांग से अब देखिए इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन के रिलेशन जो थे उसमें कैसे एक क्रूशल एंगल था यानी कि ब्रिटिश पावर यहां से रॉ मेटेरियल ले जा रहे थे अपनी टर्म्स पे और फिनिश गुड्स को यहां पर बेच रहे थे अपनी टर्म्स पे व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड अपनी टर्म इसका मतलब यह है कि क्योंकि वो यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल यूनिट बन गए थे तो इस वजह से सिस्टम उन्होंने ऐसा सेट कर दिया जैसे रॉ मेटेरियल अपनी टर्म्स पर लेंगे और फिनिश्ड गुड अपनी टर्म्स से बेचेंगे तो ऐसे में जो इंडियन मैन्यूफैक्चरर्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो उनको डिसमेंटल कर देंगे क्योंकि इम्पोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को बेयर मिनिमम कर देंगे जिससे कि वहाँ से सामान आसानी से यहाँ पर बेचा जा सके और यहाँ के लोगों को जो एक्सपोर्ट करना है उसको दिक्कतें पैदा कर देंगे तो अल्टीमेटली किसकी इकोनॉमी थ्राइव होगी इनकी इकोनॉमी थ्राइव होगी और जब इनके पास पैसा आएगा तो वो उसको मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री पर यूज करेंगे कि नहीं करेंगे करेंगे और मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री होगी तो मुझे बताइए जब उनका वॉर चाइना से होगा अभी कराने वाले हैं उस वॉर को हम तो ऐसे में ये उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन तय करेगी कि नहीं करेगी करेगी तो यानी कि यहाँ पर आपको पता लगा कि जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल माइट से कनेक्टेड थी राइट right? अब ऐसे में ही आगे जब हम चलते हैं तो हमें पता लगता है कि इन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से ये तो एक बेसिक फैक्ट है कि इंडिया लॉस्ट इट्स ग्लोरी राइट लेकिन अब इसके बाद ब्रिटिशर्स पहुंचते हैं चाइना एंड यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है उनको कि ऐसा करिए आप हमें टी सिल्क पोर्सिलीन आप हमें ये चीजें दे दीजिए और इसके बदले हम आपको ब्रिटिश गुड्स दे देंगे फेयर ट्रेड डील दैट इज वॉट इंग्लिश इंडिया कंपनी वॉज टॉकिंग यू नो वॉज प्रपोजिंग टू द रूलर्स ऑफ किंग डायनेस्टी वही किंग डायनेस्टी जिसके बारे में हमने ताइवान वाले इशू में भी बात की थी अब यहां पर किंग डायनेस्टिक के जो रूलर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम इसके लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रिटिश गुड्स और आपको यह भी जानना होगा कि ऐसा नहीं था कि जो टी और सिल्क है ये ये केवल ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट थी यानी कि ब्रिटिशर्स के अलावा भी कई और मर्चेंट्स थे जो चाइनीज एरिया से इनको लेकर यूरोप की तरफ जाते थे लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी वो चाहती थी कि वो इसका इस्तेमाल करके मेजर प्रॉफिट्स को मिंट कर सके अब इन्होंने तो मना कर दिया अब ब्रिटिशर्स ऐसे तो मानने वाले थे नहीं तो वॉट दे डेड उन्होंने कहा कि एक तरीका हो सकता है आप ये देखिए कि किस चीज की डिमांड वहां पर सस्टेन्ड है तो उस टाइम पर ओपीएम यानी कि अफीम को मेडिसिनल पर्पस के लिए कुछ बॉर्डर एरियाज में यूज किया जाता था और उसका यूज धीरे धीरे बढ़ रहा था यू नो ड्यू टू द एडिक्शन यू नो फीचर्स ऑफ ओपियम अब एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली है और इसको आप प्रेजेंट से भी लिंक कीजिएगा दुनिया में शक्ति को अपनी तरफ खींचने का एक बहुत बड़ा तरीका इतिहास जो हमें सिखाता है राजनीति जो हमें सिखाती है वो ये है कि अगर आप ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाए कि दूसरे लोग उससे एडिक्टेड होंगे तो आपका पावरफुल बनना तय है दिस इज वॉट ब्रिटिश डिड दे एक्चुअली कॉन्टेक्टेड सम प्राइवेट ट्रेडर्स सम स्मगलर्स एंड दे स्टार्टेड प्लांटिंग दिस ओपियम इन इंडिया और यहां पर प्लांटेशन करके वॉट देवर सीइंग कि यहां पर लेस इन्वेस्टमेंट होगा वहां पर हम ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि ब्रिटेन से गुड्स लाएंगे चाइना में देंगे अब क्या करते हैं इंडिया में ही बनाएंगे और इंडिया से प्रॉक्सिमिटी है चाइनीज बॉर्डर्स की, यहीं से यहीं इनको बेचेंगे और इसकी डिमांड भी सस्टेन रहेगी तो ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया और पेमेंट किस में लेंगे सिल्वर में लेंगे ओके अब देखिए ये इनका मेजर ओपीएम ट्रेड रूट बन गया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मत आपका बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी हो गई ये आपका कोलकाता पोर्ट हो गया इसके थ्रू ओ का ट्रेड आ रहा था कैंटन पे कैंटन जहाँ पर आज हम देखते हैं घुानजाव फेमस फाइनेंशियल डेस्टिनेशन ऑफ चाइना और यहाँ से टी सिल्क पोर्सलिन को इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया ग्रेट ब्रिटेन में तो यानी कि इनके लिए तो बहुत फ़ायदा हो गया यानी कि एक जगह इनको नकारा गया तो ये जो मौका है ये इनका और ज़्यादा फायदा लेकर आ गया लेकिन ऐसे में लॉस किसका हो रहा था चाइना का लॉस हो रहा था चाइनीज इकोनमी को लॉस हो रहा था क्योंकि व्हाट दे वर गेटिंग वाज नॉट एडिंग इनटू इन द वैल्यू इन दर इकॉनमी क्योंकि ओ से कोई नए तरीके के प्रोडक्ट्स तो नहीं बन पा रहे थे कोई आर्थिक सामाजिक समृद्धि तो नहीं हो पा रही थी राइट right? तो इसी वजह से यहाँ पर जो किंग डायनेस्टी थी उसने कहा अब इन पर लेना पड़ेगा एक्शन सो चाइनीज बैंड ओ ट्रेड इन दिस टेरिटरी और इससे सीधा नुकसान किसको हुआ ब्रिटिशर्स को नुकसान हुआ अब ब्रिटिशर्स हार तो मानने वाले थे नहीं तो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया फर्स्ट ओपियम वॉर 1839 टू 1842 अब माय फ्रेंड्स आई टोल्ड यू कि उन्होंने सिस्टम ऐसा सेट कर दिया था जिसके थ्रू अब पावर किसके पास आ रही थी ब्रिटिशर्स के पास आ रही थी इकोनॉमिक पावर इकोनॉमिक पावर को वो मिलिट्री माइट में कन्वर्ट कर चुके थे और इसी वजह से मॉडर्न वेपनरी होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण था साथ में जो स्किल सेट था टू फाइट वो भी एक कारण था ऐसे में इन्होंने डिफीट कर दिया चाइनीज पावर को और वहाँ पर हुआ ट्रीटी ऑफ नैनजिंग और ट्रीटी ऑफ नैनजिंग के वजह से हांगकॉन्ग वो सीडेड टू ब्रिटिशर्स तो यहाँ पर इनको हांगकॉन्ग मिल गया अब आपको यहां पर यह सोचना चाहिए कि इन्होंने हांगकांग को ही क्यों लिया क्योंकि अगर यहां पर देखें तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इतना बड़ा एरिया लेकिन इन्होंने लिया हांगकॉन्ग द रीजन इज हांगकॉन्ग लोकेशन पोर्ट अवेलेबिलिटी इन हांगकॉन्ग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स टू एंगेज इन ट्रेड इन दिस एरिया सो दैट इज वाई दे टुक हांगकॉन्ग और हांगकॉन्ग के बाद अगले छप्पन सालों में इन्होंने कैंटन एमॉय और मकाऊ इन तीनों को भी अपने अंडर ले लिया किसकी बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं अब ऐसा होने के बाद ब्रिटिशर्स स्टार्टेड ट्रेडिंग ओपियम इलीगली क्योंकि इस ट्रीटी ऑफ नैचिंग में इनको मिला था हांगकॉन्ग यह अधिकार नहीं मिला था कि अब आप ओपियम लाइए यहां से और अब पूरे चाइना में बेचिए नहीं केवल ट्रेड आप इस एरिया का यूज कीजिए इस, इस रूट को आप अपने लिए यूज कीजिए अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करिए दैट इज वॉट यू कैन डू बट इन्होंने इलीगल ट्रेड सेटअप करना स्टार्ट कर दिया आई टोल्ड यू स्मगलर्स प्राइवेट ट्रेडर्स तो ऐसे में फिर एक और ओपियम वॉर होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंड ओपियम वॉर एटीन टू सिक्सटी और इसमें थर्टी थाउजेंड चाइनीज वर किल्ड एंड टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड वेस्टर्न कैजुअलिटीज वर देयर मौत में नंबर नहीं देखने चाहिए लेकिन यह बताता है कि चाइना वॉज ऑन डिफीट ओके चाइनीज डायनेस्टी वॉज ऑन डिफीट एंड एज ए रिजल्ट वॉट वी सॉ दट चाइनीज कैप्टन रिवोल्टिंग अगेंस्ट हांगकॉन्ग इशू आपने ले तो लिया हांगकॉन्ग आप जीत तो गए दोनों ओपियन वॉर लेकिन चाइना के लिए यह इम्पोर्टेंट था कि हांगकॉन्ग वाले एरिया से ब्रिटिशर्स जाए अदरवाइज ये चाइना को डिमीन चाइना में इलीगल ट्रेड का एक कारण बना रहेगा तो ऐसे में वॉट ब्रिटिशर्स देखिये ब्रिटिशर्स के लिए ज्यादा पैसा कहाँ से बन रहा था हांगकॉन्ग लोकेशन से बन रहा था क्योंकि इस हांगकॉन्ग लोकेशन के सहारे अब वो केवल चाइना में ही ट्रेड नहीं कर रहे थे अब वो पूरे साउथ चाइना सी वाले एरिया में अलग अलग लोकेलिटीज़ में ट्रेड कर रहे थे तो ऐसे में उन्होंने कहा आपको हांगकॉन्ग चाहिए तो ब्रिटिशर्स ने कहा तो हांगकॉन्ग तो मिलेगा नहीं पैसा चाहिए पैसा लोगे उन्होंने कहा पैसा तो चाहिए लेकिन इसके साथ साथ एश्योरिटी चाहिए कि दिस रीजन विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट चाइनीज मेन लैंड तो ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है करते हैं आपका तो इन्होंने क्या करा 99 इयर्स के लिए लीज पे ले लिया यानी कि ब्रिटिशर्स ओपटेन हांगकॉन्ग ऑन लीज फ्रॉम चाइना फॉर 99 इयर्स फेयर डील हा इसके बाद जैसी ब्रिटिशर्स ने उसको लिया लीज पर तो यानी कि अब ये रिकॉग्नाइज हो गया कि नाउ चाइना इज नॉट गोइंग टू एंगेज इन टू एनी कॉन्फ्लिक्ट विद दिस पर्टिकुलर रीजन विच इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड तो ऐसे में ब्रिटिश पावर कैपिटलिस्ट थी राइट right? तो इन्होंने फेवरेबल टैक्स डील देनी स्टार्ट कर दी पोर्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया तो ऐसे में जो मैसिव वे वाई इमिग्रेंट्स की फ्रॉम मेन लैंड चाइना टू हांगकॉन्ग क्यों आई टू डू इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज दिस लोकेशन बिकेम अ हब ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वेस्टर्न स्काई स्टाइल स्कूल स्टैब्लिश होने स्टार्ट हो गए बैंक्स आ गए बिजनेसमैन आ गए तो हांगकॉग बिकेम अ रीजनल ट्रेड सेंटर अगर आज भी आप टॉप मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स देखेंगे तो वो आपको हांगकॉन्ग में मिलेंगे उसके क्या कारण हैं कुछ कारण तो हमने यहाँ पर बताया अभी आगे भी उसकी स्टोरी आएगी अब इसी के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था 1937 में वी सॉ साइनो जैपनीज वॉर यानी कि जापान ने अटैक कर दिया चाइना पर और इस अटैक में हॉन्गकॉन्ग एक क्रिटिकल लोकेशन थी जापान चाहता था कि भाई हमारे दुश्मन तो वेस्टर्न पावर है और वेस्टर्न पावर पैसा कमा रही है इस हांगकॉन्ग से तो इस हांगकॉन्ग को भी अपने कब्जे में लेना होगा तो ऐसे में उन्होंने बॉम्ब करना स्टार्ट किया उस टाइम पर ब्रिटिशर्स वर देयर टू तो प्रोटेक्ट हांगकॉन्ग बट दे कुड नॉट एंड दैट इज वाई दिस जापान ऑक्युपाइज हांगकॉन्ग और जैसे ही उन्होंने हांगकॉन्ग को ऑक्यूपाई करा उसके बाद वहां पर फूड शॉर्टेज हो गई प्रॉब्लम्स बिल्डअप होना स्टार्ट हो गई तो ऐसे में हमने एक देखा कि देवर मैनी पीपल हु माइग्रेटेड टुवर्ड्स मेन लैंड चाइना लेकिन ये हो रहा था 1941 में अब 1945 में न्यूक्लियर अटैक ऑन जापान चेंज द होल जियो पोलिटिक्स ऑफ दिस रीजन वाय बिकॉज जापान वॉज डिफीटेड तो एनी एरिया विच वॉज ऑक्यूपाइड बाई जपैन इज नाउ गोइंग टू बी डिसाइडेड द वेस्टर्न ब्लॉक ये किसके पास आएगा तो ऐसे में डिसाइड हुआ कि देखिए तो ब्रिटिशर्स ने लीज पे लिया था तो ये तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहेगा तो ब्रिटिशर्स ने उस एरिया को दोबारा लिया और 1946 में यहां पर एक सिविलियन गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दी अब इसका मतलब क्या है यानी कि ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नर विल बी डिसाइडिंग द अफेयर्स ऑफ दिस सिटी विच वी आर कॉलिंग हांगकॉन्ग इसके बाद देखिए नाइनटीन फिफ्टी में हांगकॉन्ग इकोनॉमी टेक्स ऑफ एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब और ऐसे में हांगकॉन्ग ने उस टाइम पर डिसाइड किया कि वर्ल्ड आगे टेक्नोलॉजी से ड्राइव होगा तो ऐसे में हम ऐसी कंपनीज़ को फेवरेबल डील देंगे अपने यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की जो इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैवी इन्वेस्टमेंट और फ्यूचरिस्ट विजन रखते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रपोजिशन से हमने देखा कि हांगकॉन्ग की तरफ मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ और इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हांगकॉन्ग में इम्प्रूव होना स्टार्ट कर दिया सब कुछ अच्छा तो चल ही रहा था लेकिन चाइना बराबर में बैठा था और चाइना वॉज ऑब्जर्विंग कि इफ अ एरिया हांगकॉन्ग विच इज़ लोकेटेड इन साउथ चाइना सी बिकेम अक्सेस स्टोरी ऑफ कैपिटलिज्मीट ऑफ कॉम्युनिज्म अगर वो सक्सेस स्टोरी बन गई तो फिर कॉम्युनिज्म को तो कॉम्युनिज्म के आइडिया पर तो एक चोट होगी और कॉम्युनिज्म क्या कहता है कि जहां पर भी कैपिटलिज्म है तो देख लेना ऊपर आपका बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग होगी लेकिन नीचे वो वर्कर्स जो इस बिल्डिंग को बनाने में अपना खून पसीना देते हैं उनको फेयर डील नहीं मिल रही होगी उनके वेजेस की क्योंकि कैपिटलिज्म में प्रॉफ़िट मैटर करता है और प्रॉफिट को बढ़ाने का जो तरीका होता है वो होता है कि या तो ज़्यादा ज़्यादातर आपकी सेल हो जाए या फिर साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट कम हो जाए क्या आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम कर सकते हैं तो चाइना वज यूज्ड टू एक्चुअली प्रोपोगेट दीज आइडियाज़ क्या आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम कर सकते हैं नहीं कर सकते अदरवाइज़ क्या होगा चीप रॉ मटेरियल यूज़ करोगे तो क्वालिटी चीप हो जाएगी क्वालिटी चीप हो जाएगी तो आपके प्रोडक्ट कौन खरीदेगा तो ऐसे में एक पॉइंट पर कैपिटलिस्ट आकर रुकेंगे वो है वेजेस यानी कि ये जो गरीब लेबर क्लास है आप क्या करो इनसे कहो कि देखो हम तो नई मशीनें ला रहे हैं और आपको रहना है तो रहिए नहीं तो आप क्या करिए वेजेस को कम करा लीजिए नहीं तो आपकी जॉब ही चली जाएगी तो ऐसे में जो डील फॉर वेजेस है वो क्या होगा अनफेयर होगा क्या ऐसा सही में हांगकॉन्ग में हो रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि हाँ हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट वॉज नॉट रेगुलेटिंग द लेबर सेक्टर दैट मच अब इसी वजह से चाइना ने सपोर्ट किया फॉर दीज यूनियंस यूनियंस लेबर टू एक्चुअली गेट ऑन टू द रोड एंड यू नो मेक स्लोगन्स अगेंस्ट दिस हॉन्गकॉन्ग गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट रूल से चल रही थी ओके okay? देखिए हमें एक न्यूट्रल परस्पेक्टिव रखना जरूरी है अगर हम एक साइड पर होंगे तो हम पूरे परस्पेक्टिव दोनों तरफ की स्टोरी को समझ ही नहीं पाएंगे राइट क्योंकि अगर ये अपोजिशन हुआ तो इस अपोजिशन में चाइना ने सपोर्ट किया लेकिन उसमें चाइना के अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे साथ में चाइन इस इस अपोजिशन की वजह से हमने देखा कि जहां जहां ये अपोजिशन हुए कि वहां की सरकारों ने वहां की लेबर क्लास के लिए फिर अच्छे कानून भी बनाने शुरू कर दिए राइट तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज बैड ओके नाउ नाइनटीन में आते हैं हांगकॉन्ग स्टेब्लिश एड एशियन टाइगर एशिया के कुछ ऐसे एरियाज जो इतनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे डबल डिजिट इकोनॉमिक प्रोग्रेस चल रही थी जहां पर सो वन ऑफ द रीजन इकोनॉमिक पावर हाउसेज विथ थ्राइविंग इकोनॉमी एंड बेस्ड ऑन हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो कि मैंने आपको बताया था नाउ नाइनटीन एट्टी फोर आता है और यहां से स्टोरी होती है चेंज क्या चेंज होता है इस पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे मार्गरेट थैचर फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड यहां पर है फॉर्मर लीडर ऑफ चाइना जिन्होंने चाइना को माओ माओजदोंग के रीजन में जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ पर जो उनकी इकॉनमी क्लोज थी उससे ले जाकर उस इकॉनमी को ओपन किया तो ऐसे में वेस्ट ये देख रहा था कि यहाँ पर आइडियाज़ जो हैं कुछ मिलते हुए लग रहे हैं तो यानी कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों के फायदे का कोई एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है तो ऐसे में इन्होंने कहा कि देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं हम ब्रिटिश एरिया है होंगकोंग लेकिन ऐसा करते हैं आपके साथ डील साइन करते हैं और इस डील के बाद आप ये मानिए कि वन चाइना टू सिस्टम को मानकर चलेंगे वन चाइना टू सिस्टम का मतलब है एक चाइना है लेकिन उसी चाइना में दो सिस्टम होंगे यानी कि आपकी पॉलिटिक्स आपकी इकॉनमी आप, आप, आप रखिए कॉम्युनिस्ट आप जाने लेकिन ये जो एरिया अब हम आपको देने जा रहे हैं इस एरिया में जो इनकी इकोनॉमी है उसको कैपिटलिस्ट ही रखिएगा कम से कम पचास साल तक और जो पार्शल डेमोक्रेसी वहां पर प्रेजेंट है पार्शल डेमोक्रेसी उसको भी आप वैसे ही रखिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी यहां पर रहे तो डेन जियोपिंग ने कहा कि ठीक है एक्सेप्टेड अब इसके बाद होता क्या है 1989 में अब देखिए 1984 में बात हुई और बात यह थी कि 1997 में हम आपको यह एरिया दे देंगे और उसके 50 साल तक आप ऐसा ही इसको बनाकर रखिएगा यानी कि 2047 तक आप इसको ऐसा बनाकर रखिएगा लेकिन इसी बीच नाइनटीन में जो हॉन्ग के कई सारे नागरिक थे वो बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर में इकट्ठा होते हैं और वो और ज़्यादा डेमोक्रेसी की मांग करते हैं तो ऐसे में वहाँ पर उन पर एक्शन्स होते हैं तो ये एक हिस्ट्री हॉन्गकॉन्ग की हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है अब इस इवेंट के बाद जहाँ पर चाइनीज सरकार ने इन पर एग्रेशन का यूज़ किया तो उसी के बाद नाइनटीन में क्रिस पैलेट जो कि लास्ट ब्रिटिश गवर्नर थे हांगकांग के उन्होंने जाते जाते सोचा कि मैं भी अपनी एक लेगेसी बना ही दूँ और वो लेगेसी थी टू तो सपोर्ट डेमोक्रेटिक कॉज तो उन्होंने बिना चाइनीज अथॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लिए उन्होंने प्रो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेजिसलेशंस को पास करना स्टार्ट किया यानी कि उन्होंने सपोर्ट किया कि चलिए यहाँ पर अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लाते हैं यानी कि हर एक व्यस्क व्यक्ति वोट दे सकता है कि कौन रूल करेगा इस हांगकांग एरिया को तो ऐसे में चाइना का कहना था कि जब 1984 में हमारी बात हो गई थी वन चाइना टू सिस्टम बात हो गई थी कि 50 साल तक 1997 से 2047 तक हम इसको ऐसा रखेंगे तो फिर आपने ये जो चेंजेस किए इसमें हमें बीच में क्यों नहीं रखा विदाउट कंसल्टिंग चाइना ये तो रॉन्ग है तो फिर चाइना ने एक स्टैंड लिया कि आपको जो करना है कर लीजिए 1997 करीब ही है जैसे ही आप जाएंगे हम रीस्टेट कर देंगे वो स्टेटस जो हमारे लिए फेवरेबल होगा हांगकॉग के लोगों के लिए भी फेवरेबल होगा ऑब्वियसली जब आप कोई चीज फेवरेबल स्टेब्लिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लोगों को विश्वास देना पड़ेगा कि आपका भला भी इसी में है अब अब ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने कहा 1997 में आप जाएंगे तो उसके बाद हम यहां पर रूल को अपने हिसाब से स्टैब्लिश करेंगे अब जो ये एक एरिया जहां पर फ्री ट्रेड था इकोनॉमी वाइविंग प्राइवेट कंपनीज़ वर यू नो मेकिंग बिजनेस तो उनको लगा कि अब तो चाइना का फियर है आपर, यहाँ पर क्योंकि चाइना यहाँ पर एडवर्स एक्शंस लेगा डेमोक्रेसी के खिलाफ जैसे ब्रिटिशर्स जाएंगे तो ऐसे में कंपनीज ढूंढने लग गई कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पर फैसिलिटीज़ हांगकॉन्ग जैसी हों लेकिन वो अलग एरिया हो जहाँ पर चाइना का डर ना हो तो ऐसे में उनको यू मिला क्योंकि उस टाइम पर यू अपनी इकोनमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा था UAE ने कहा हम अपने दरवाजों को ओपन करते हैं और आपको फेयर डील देंगे यूआई वॉज ऑल्सो एट द बैंक ऑफ सी ये देखिए तो यूआई भी लोकेटेड कहां था सी के बैंक्स पे, ऐसे ही जैसे हांगकांग है साथ में बिजी ट्रेड रूट इजी ट्रांसपोर्टेशन रिलैक्स नॉर्म्स एंड पोटेंशियल इकॉनमी तो ये कहा जाता है कि यूए का जो फ्यूचर बदला उसके पीछे जियोपॉलिटिकल अगर हम लोकेशन की बात करें तो हांगकॉन्ग के जो इवेंट्स हैं वो भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल रखते हैं सो चाइना वांटेड टू मेक हांगकॉन्ग पीपल एडेप्टिव चाइनीज कम्युनिस्ट पॉलिसी अब जब पूछा गया चाइना से कि भाई आपसे कहा गया था नाइनटीन से टू तक आप वन चाइना वन नेशन एंड टू सिस्टम रखेंगे फिर आपने पॉलिसी में चेंज करना स्टार्ट क्यों किया तो चाइना का कहना था कि हम चाहते हैं कि फेज मैनर में जो हांगकॉन्ग रीजन है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए कॉम्युनिस्ट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कॉम्युनिस्ट वे ऑफ लाइफ से तो इस वजह से वो ऐसा कर रहे थे 2047 से पहले अब ये देखिए पिक्चर है दुबई की इन 1970 और ये पिक्चर है 2015 में दुबई की आपको नहीं लगता अब जो वाई नेशंस फेल बुक में डेरन एस मोगलू कह रहे थे कि, कि किसी देश की आर्थिक राजनीतिक नीतियां उसके वर्तमान और उसके भविष्य को बदल सकती हैं ये देखिए राइट और इसी वजह से यू चाहती है कि आप इकोनॉमी एज़ वेल एज पॉलिटी के प्रोविजंस रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स के साथ साथ इनके एप्लीकेबिलिटी वाले पार्ट पर भी यू शुड बी यू नो मैच्योर एनफ सो दैट यू यू कैन हैव साउंड यू कैन से आर्गुमेंट्स ऑन दीज इश्यूज क्योंकि आपको अगर पॉलिसी मेकर बनना है तो जाहिर सी बात है आपको पता भी होना चाहिए कि दुनिया कैसे चलती है किस फैक्टर से क्या रिज़ल्ट निकलते हैं नाउ 2014 एक अम्ब्रेला मूवमेंट होती है बाय हॉन्ग एंड दीज हॉन्ग वर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दो प्रोमिनेंट पार्टीज हैं होंगकॉन्ग में तो उसमें से एक पार्टी तो प्रो मेनलैंड भी है वो पार्टी चाहती है कि हम धीरे धीरे चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव चाइनीज पोलिटिकल सिस्टम के साथ अलाइन हो जाए तो चाइनीज लेजिस्लेश रूल्स आउट ओपन इलेक्शन इन हांगकॉन्ग पहले ही बता दिया कि ओपन इलेक्शन तो होंगे नहीं जो भी आपका लीडर होगा आप इलेक्शन तो करेंगे लेकिन जो भी आपका लीडर होगा उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की लिस्ट भी हम अप्रूव करेंगे यानी कि चाइना की जो नेशनल असेंबली है वो आपके क्रूशल लॉज को भी वेट करेगी वेदर वो दोज लॉज कैन कैन भी अप्प्लीकेबल इन योर एरिया और नॉट और चाइनीज गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कौन आपके एरिया में टॉप पोजीशन के लिए चुनाव लड़ सकता है तो आपको नहीं लगता कि यह तो सीधे सीधे वो वाली बात हो गई कि आपने जो है एक मौका तो दे दिया लेकिन साथ में यह कह दिया कि हम बताएंगे कि कौन से ऑप्शन आपके पास हैं राइट right? तो यानी कि ऑप्शन आपने दो दे दिए जबकि दस ऑप्शन हो सकते थे और वही लोगों को आप सपोर्ट करेंगे जो लोग आपके फेवर में बोलते होंगे अब आती है फेबर मार्च 2019 थाउजेंड नाइनटीन हांगकॉग गमेंट अनाउंस प्लान फॉर बिल्ड वुड अलाउ एक्सट्रेडिशन टू चाइनीज मेनलैंड। अब मुझे बताइए हांगकांग की कौन सी सरकार ऐसी होगी जो कि खुद ये चाहेगी कि हम एक्सट्रेडिशन करना चाहते हैं चाइना में जो लोग क्या सोच रहे हैं एक्सट्रडिशन होता क्या है इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप हांगकांग के नागरिक हैं ठीक है और आप के बारे में कोई केस जो है चाइनीज मेन में चल रहा है क्योंकि चाइना कहता है हांगकॉन्ग के अपना ही है और हांगकॉन्ग का यूनिट ही ऐसी है कि ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है पार्ट ऑफ चाइना तो ऐसे में अभी तक क्या है लीगल बैरियर्स थे वहाँ पर लीगल बैरियर्स मतलब आपका अगर वहाँ पर केस है तो ऐसे में वो बिना हांगकांग की सरकार की सहमति से आपको ले जा तो सकते नहीं और हांगकांग की सरकार के पास कोई ऐसा कानून नहीं था कि कानून रूप से वो कह दें कि ठीक है ले जाइए इसको तो लेकिन अब एक्सटेडिशन लॉ का मतलब है कि अब आपको वहाँ पर ले जाकर उनकी कोर्ट में आपके साथ डील करना वो हो सकेगा लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे तो हांगकांग में जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स हैं उनकी आवाज़ को दबाने का एक इस्तेमाल हो सकता है तो यही यहाँ पर बहुत बड़े एक कारण बना विवाद का तो एक्सडिशन कुड बी यूज टू साइलेंस चाइनाज क्रिटिक्स मिलियंस ऑफ पीपल लेट मार्च एंड प्रोटेस्ट और चाइना ने देखिए क्या किया चाइना किल्ड राइटर्स पीपल ऑफ हांगकॉन्ग हु एवर रोट और डिड एनी एक्शन अगेंस्ट चाइना तो जो भी चाइना के खिलाफ बोला उसको रास्ते से हटा दिया

मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप इस डिबेट को और अच्छे से समझ पाए चाइना कहता है कि हम भी अपने आप की अपने आप में अपनी तरह की डेमोक्रेसी है अब इस बात पर हंसीेगा मत क्योंकि चाइना ऐसा कहता है चाइना कहता है कि वेस्ट जैसे डेमोक्रेसी है तो उनका डेमोक्रेसी का मॉडल अलग है हम भी एक डेमोक्रेसी एक हैं तो ऐसे में अब कोई अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है तो क्या इसको केवल इस बात से मान लें कि वहाँ पर चुनाव होते हैं क्योंकि चुनाव चाइना में भी होते हैं लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड है हम इस बात पे एक बात पे सहमत हो सकते हैं कि देखिए चाइना क्योंकि लोगों के सामने उनके जरूरत के और जो उन पर एप्लीकेबल होने वाले कानून हैं उस पर खुल के उन, उनके साथ बहस के लिए उनको अलाउ नहीं करता तो ऐसे में हम कैसे उसको एक डेमोक्रेसी कह सकते हैं क्योंकि एक बात तो तय लोकतंत्र में लोगों के दमन की संभावनाओं की कमी कही जाती है और इसी वजह से डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र एक पॉपुलर आइडिया बन पाया मॉडर्न पीरियड का लेकिन क्या आप सेम फीचर्स चाइना की सरकार में देखते हैं मैं तो नहीं देखता चलिए अब इसके बाद चाइना ने दिखाया ही नहीं वो लॉ जो वो हांगकांग वालों के पर एप्लीकेबल करना चाह रहा था और इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता लगा कि उस लॉ में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो हैं सबवर्सिव सेट टेररिज्म ट्र, ट्र, कोल्यूडिंग एंड फॉरन विद फॉरन फोर्सेज तो इसका मतलब है इन वर्ड्स का इतना स्कोप है कि अगर आप किसी भी तरीके से जो चाइना की सरकार है उसके खिलाफ अगर आप उठते हैं जिससे कि आप उसको सबवर्स करने की कोशिश करते हैं होंगकोंग को इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश करते हैं आप कुछ आतंकी तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कोल्यूड करते हैं किसी फॉरन पावर के साथ तो इन सभी केसेज में आपको अरेस्ट किया जा सकता है तो यानी कि दीज आर एम्बिगस प्रोविजन विच हैज़ वाइड स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन चाइना सिक्योरिटी एजेंसीज विल बी एबल टू हैव देयर ऑफिस विद इन हांगकॉन्ग जो पहले नहीं था साथ में बीजिंग विल हैव जुडिस्डिक्शन ओवर सम केसेस टॉपलिंग द लीगल फॉर क्योंकि इससे पहले हांगकॉन्ग और चाइना की जो ज्यूजिक्शन थी वो अलग थी यानी कि जैसे इंडिया में एक इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियल सिस्टम है यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स वेरस हाई कोर्ट आर कनेक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट लेकिन चाइना और हांगकॉन्ग के रिलेशन में हांगकॉन्ग की जो कोर्ट है और जो चाइनीज मेनलैंड की कोर्ट्स हैं उनके बीच में एक लीगल वॉर थी क्योंकि ये एक ऑटोनोमस रीजन है लेकिन चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंतर्गत कहा कि कुछ केसेस के मामले में हमारा जुडिक्शन हांगकॉन्ग तक भी लगेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हांगकॉन्ग और मेनलैंड कोर्ट के बीच का जो फासला था वो अब क्या है घटाया जा रहा है ओके सो आई होप दिस डिबेट अराउंड दिस 2020 नेशनल सिक्योरिटी लॉ इज़ नाउ क्लियर टू यू और इस डिबेट के साथ आपको ये भी जानना अच्छा रहेगा कि इंडिया ने इसको डिप्लोमेटिक पंच की तरह इस्तेमाल किया यूएन में इस इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है इंडिया ने प्रो डेमोक्रेसी स्टैंड लिया इन फेवर ऑफ हॉन्ग कॉन्ग इन यू एन कुछ पार्टीज़ ने यह भी कहा कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इंडिया के खुद के अंदर कई सारे ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 370, 371 टॉक्स अबाउट देम लेकिन आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को ऐसे जवाब दे सकते हैं कि देखिए हांगकांग और चाइना के रिलेशन में हांगकांग की जो हिस्ट्री है यू कैन नॉट फैमुलराइज दैट हिस्ट्री विथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो यानी कि इंडिया की हिस्ट्री और हॉगकॉन्ग की हिस्ट्री अलग है और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि इंडिया इज एन इंडस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स और ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट फेस्ड मैनर में स्टेप्स लेती रहती है सो दैट दीज थ्रेट्स ऑफ सेसेशन दीज थ्रेट्स ऑफ यू कैन से टर्मोइल कैन बी डिसिपेटेड, ऑल दो ये एक डिबेटेबल इशू है माय फ्रेंड्स देशभक्ति की भावना जरूरी है इसके आधार पर ही कोई देश बनता है लेकिन साथ में देश महान तब बनता है जब हम उसके गैप्स को दूसरा क्वेश्चन उठाए उससे पहले फिल करना स्टार्ट कर देते हैं और यह तभी होगा जब आप हम सब इन मुद्दों के बारे में व्यापक चर्चा करेंगे और अपने पॉइंट्स को प्रून करेंगे नॉट जस्ट यू नो टोल्ड वॉट मीडिया इज से राइट सो आई होप नाउ दिस इशू इज क्वाइट क्लियर टू यू इंटरलिंकिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू नाउ दर इज दिस ऑफर गोइंग ऑन डबल वेलिडिटी ऑफर who are planning to purchase some courses you can use this And this PDF will be available in Shashank Tiagi for You Telegram group. You can shoot me a message on Telegram, Twitter. I'll be there for helping you out. See you.